Good morning to all of you. Today I am going to start with a beautiful poem written by Robert Frost. Stopping by Woods. So let's start. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not so. See, one stopping here to watch his woods fill up with the snow means. मुझे विश्वास है इसमें कवि ये कहता है कि मुझे विश्वास है कि मैं इस वन के स्वामी को जानता हूँ मतलब तो ये वन किसका है मैं जानता हूं उन्हें उनका घर बगल के गांव में ही है उस ठहराव काल में जब बर्फ से आच्छादित वन की नियता पूर्ण मुग्ध कर देने वाली शोभा को वो देख पा रहा था तो उनको ऐसा लग रहा था कि उस सुंदरता को उस शोभा को उसके वन का स्वामी नहीं देख पाएगा क्योंकि वह जंगल में नहीं था नेक्स्ट स्टेप माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वर्ड्स एंड द फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर मेरा छोटा घोड़ा मुझे यहाँ रुका हुआ देखकर अचंभित था मैं जंगल के पास रुका हुआ था पास में में कोई मकान नहीं था। उस खराब मौसम सिर छुपाने का स्थान नहीं था जंगल से झील तक पानी इकट्ठा हो चुका था वह साल की सबसे अंधेरी शाम थी ही asked his harness bells a shake to ask if there is some mistake the only other sounds the sweep of easy wind and dhwani flag उस जंगल में घुड़सवार के रुकने से चलने वाला जो घोड़ा था उसके गले की घंटी यह समझकर वो बजा रहा था कि कहीं सवार से गलती तो नहीं हो गई असामान्य संध्या में इस असामान्य शाम में वो यहां पर रुक गया है वहां पर केवल ठंडी हवा की जो आवाज है वो ही सुनाई दे रही थी और कुछ हल्के हिमपात के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था हवा बर्फ के गोलों से टकराकर सनसनाहट की आवाज पैदा कर रही थी दर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप But I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। बेशक वह गहन अंधकार में जंगल बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक था परंतु वह अपने परिवार के लोगों और मित्रों के प्रति कृतज्ञता पूर्ण किए गए वादों को भी भुला नहीं सकता था उसे याद आया कि आराम करने से पहले उसको लंबी दूरी तय करनी है अतः सबसे पहले उसे अपनी यात्रा पूरी करनी है और ये जो सेंटेंस है ये क्या बता रहा है कि उसका जो भाव है उसके जो भाव है उसको वो ये जो सेंटेंस है वो अपने भाव को सुंदरता से व्यक्त कर रहे हैं दिस पोयम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट अब हम पढ़ेंगे इसकी समरी शॉर्ट में हम ये देखेंगे कि आखिर इस पोयम में क्या लिखा गया है तो इस पोयम की समरी यह है कि एक बर्फीली शाम शाम थी, जिस पर उस शाम में एक यात्री था जो घोड़े पर बैठ के कहीं जा रहा था रास्ते में एक वन को देखकर वो रुक गया और सुंदर वन को देखकर वह मंत्रमुग्ध सा हो गया मतलब वो इतना खुश हुआ उसको देखकर कि उसने आज तक वो उस टाइप का जंगल कभी नहीं देखा था वह अपनी यात्रा रोकने के लिए सोचने लगा उसने पता लगाया कि इस जंगल का मालिक कौन है और उसको पता चला कि उसका जो मालिक है वो नजदीक के पास के गांव में रहता था फिर उसने देखा कि जब वो इतने सुंदर से सीनरी का जब वो देख रहा था उस सीनरी को तो वो जानता था कि इस इस जंगल का जो स्वामी है जंगल का जो मालिक है वो इतने सुंदर से क्षण का आनंद नहीं ले सकता है और ऐसा समय जब पूरा मैदान बर्फ से ढक रहा है क्योंकि वो जो था वो तो अपने घर पर था उसका घोड़ा भी उस रास्ते से होते हुए घर पहुंचने को परेशान था क्योंकि घोड़े का जो घुड़सवार था वो तो वहां पर उस जंगल को देखकर इतना खुश हो गया था कि उसको जाने का मन नहीं कर रहा था लेकिन जो घोड़ा था उसको लग रहा था कि कहीं उसका जो सवारी सवार है वो गलती से तो यहाँ नहीं रुक गया नजदीक में कोई घर भी नहीं था जहां वो शरण ले सके जहां वो रुक सके खराब मौसम से बचने के लिए वहां पर रुकने की कोई जगह नहीं थी सड़क के किनारे सिर्फ एक वन था दूसरी तरफ क्या था बर्फ से ढकी हुई पूरी झील थी शायद ये वर्ष की सबसे अंधकार में शांत थी जहां चंद्रमा की रोशनी भी नहीं थी अपने जो मालिक था मतलब जो घोड़े का मालिक था जो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था उसके इस अजीब से व्यवहार को देखकर घोड़े ने सोचा कि अपने घुड़सवार को हमें सावधान करना चाहिए इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और घंटी बजाई मानो वे कहना चाह रहा था घुड़सवार से कि यहाँ मत रुको तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है चारों की और ठंडी ठंडी सी हवा के चलने की ही सुंदर सी आवाज थी घुड़सवार के मस्तिष्क में एक संघर्ष होने लगा उसका जो माइंड था वहां रुककर वन की सुंदरता को निहारता था और उसको दूसरी तरफ ये भी याद आता था कि मुझे जल्दी घर पहुंचना है वह उस गहरे जंगल घने जंगल में इतना मस्त हो चुका था कि वो उसको नजरअंदाज ही नहीं कर पा रहा था लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने परिवार के लोगों की अपने देशवासियों की अपने बंधु बांधवों को की याद भी आ रही थी कि वो उनसे प्रॉमिस करके आया है कि उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है तो लास्ट में उसको याद समझ में आया कि उसे सबसे पहले अपना कर्तव्य करना है उसने वहां पर रुकने का निश्चय छोड़ दिया और उसने ये सोचा कि मुझे सबसे पहले आराम करने से पहले एक लंबी दूरी को तय करना है अतः उसने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी उसने सोचा कि उसे अपना वादा निभाना है तो इस तरह आराम करने के पहले उसे मीलों की दूरी तय करनी है सोने से पहले उसे लंबी दूरी तय करनी है तो ये थी इस पोयम की समरी थैंक यू